नहीं मिलना चाहिए, ये हत्या होता है, हत्या की बात। पूर्णिया जिले के भवानीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई है, जिसके बाद जमकर हंगामा हो रहा है। घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बोल दिया है। इस घटना में एक डॉक्टर आक्रोशित लोगों के हाथों चढ़ गया, जिसकी बुरी तरह से पिटाई हुई है, जिसे गंभीर अवस्था में पूर्णिया रेफर किया गया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि प्रसूता का ऑपरेशन डॉक्टर के बजाय नर्स कर दिया, जिसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पूरा अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील है। घटनास्थल पर धमदाहा SDO राजीव कुमार एवं SDPO रमेश कुमार कैंप किए हुए हैं। वहीं लोग डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भवानीपुर से सिटी हलचल के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। इसके आप लोग लीजिए और जो थाना पर भर देंगे। सर सर इसके लिए तो कार्रवाई होगी ना, जो यहाँ के प्रभारी उन पर कार्रवाई की जाएगी कि नहीं? एकदम किया जाए। इसके लिए सर आप आवाज उठाइएगा ना कार्रवाई के लिए? आवाज ने हम साथ रहेंगे गरीब जी साहब। अच्छा, यहाँ जो अभी जो डेथ हुई उसे क्या मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा हॉस्पिटल के क्या है नहीं है, तो जब खुद प्रभारी आ जाए जो साहब एक तुम बताएंगे हॉस्पिटल क्या अति है दोस्तों, नहीं मिलना चाहिए, ये हत्या होता है, हत्या की बात क्या जा गया अभी? अच्छा, क्या एफआईआर होना चाहिए? क्या इस पे हॉस्पिटल करवा हुई है? घटना जो है कि सुबह लगभग 7 बजे जो है कि प्रसव जो होने वाली थी महिला को, जो बच्ची है उसको लेके हॉस्पिटल आया गया। हॉस्पिटल में 1 घंटा के बाद एनम से पूछा गया कि क्या स्थिति में है, तो एनम बोली कि जो है कि नॉर्मल बच्चा जो है हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके आधा घंटा के बाद बोला कि बच्चा हो गया, नॉर्मल हो गया। उसके बाद देखिए कि ब्लडिंग चलने लगा, वो ब्लड चल रहा था, नीचे हम अपने से जाके देखे तो ब्लड चलने के क्रम में देखे ब्लड जब चल रहा था तो हम पूछे एनएम को जाके कि ब्लड इतना क्यों चल रहा है, तो वो जवाब देती है कि यानी छोटी ऑपरेशन हुआ है इसलिए सब नहीं, अपने से एक बार दिखा जाए। तो एनएम को बुलाए हम अपने से और दिखाए पुनः, तो उन्होंने कहा कि सिलाई जो है टूट गया है। हाँ, तो सिलाई टूट गया तो पुनः सिलाई करना होगा और वो ब्लड जो है रुक जाएगा। पुनः दोबारा जो है गिरी जो है कि सिलाई की, सिलाई करने के बाद हम जो आंटी को साथ में भेजे हुए थे यानी लड़की के दादी को जो बच्ची डेथ की है, तो वो आके हमको कहता रे बाबू से वो जो कपड़ा दे दिले छो नूनू के चीर का, वो वही प्राइवेट पार्ट वाले में वो कपड़ा दे दिले छो, ये तो नया कॉटन बैंडेज नहीं रहे जो ये दे दिलक। यही कहा कि जब हम पुनः कहने के लिए गए कहा कि 4 घंटा रुकिए, 4 घंटा के बाद जो है कि सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 4 घंटा क्या 2 घंटा के बाद पुनः जो है लगभग 11 बज गया था, 11 की 11:30-12 जो होता हो, हाँ, 1-2 घंटा के बाद पुनः जब हम देखने आए तो ब्लड तो उसका बंद ही नहीं हो रहा था। उसी पीरियड में जो है कि एनएम को पुनः कहे तो एनएम कहती है कि अब इसको ले जाइए पूर्णिया, यहाँ नहीं है। यदि वो 2-4 घंटा पहले हमको जिस समय शिशु बार नहीं ब्लड रुक रहा था उस समय यदि हम लेके चले जाते तो आज हमारा बच्चा जो है ठीक ठाक रहता, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके लिए छोटी ऑपरेशन करने के लिए 1500 लिए जो उचित नहीं था, फिर भी बच्ची की जान बचाने के लिए 15 के बदले यदि 15,000 भी लगता तो हम लोग देखे बच्ची का जान बचाते। लेकिन बच्ची का नाम अंशु कुमारी है, उनके पिता का नाम जमहरसा है, जो अभी भी वो विकलांग है, देख रहे हैं कि उनका पैर टूटा हुआ है और या जो साल भर से विकलांग के रूप में चल रहा है। अब अपना जमीन बेच के उस बच्ची का शादी किया था, 1.5 कट्ठा बेच कर। उसका परिचय? मैं पंकज कुमार गुप्ता, बरहरी पंचायत के पूर्व सरपंच पति और वर्तमान में समाज सेवी हैं, और जब भी जरूरत पड़ता है समाज के प्रति। The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. Bookings open.
सीट अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे। द बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार, पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड भट्टा बाजार पूर्णिया। द बिग शॉप पूर्णिया, कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वेयर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ी, गाउन, किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड भट्टा बाजार पूर्णिया।